टॉप 10 न्यू इसेका एनिमे जिसके अंदर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट दूसरी दुनिया के अंदर रिंग कार्नेट होता है और उसके पास में दुनिया भर की सुपर पावर्स आ जाती है। तो इस साल हमको काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर न्यू एनिमे देखने को मिले, जिनमें से ज्यादातर एनिमे भाई इसेका एनिमे ही थे। लेकिन इतने सारे इसेका एनिमे में से भी जो एनिमे मुझे पसंद आए उनको ही मैंने इस वाले लिस्ट के अंदर इंक्लूड करा है। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा आज के हमारे लिस्ट की तरफ। तो आज के हमारे लिस्ट का पहला एनिमे है रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। तो इस वाले एनिमे की शुरुआत होती है अपना जो प्रोटैगनिस्ट रहता है वो गलती से अपने दोस्तों के साथ में दूसरी दुनिया के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और वहां पर जाने के बाद में उसको पता चलता है कि भाई उसके पास में बस बेसिक हीलिंग मैजिक है जो कि अदर इसेकाई वर्ल्ड के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। लेकिन इस वाले इसेकाई वर्ल्ड के अंदर हीलिंग मैजिक होना काफी ज्यादा रेयर होता है और इसीलिए एक चिंदी सी हीलिंग मैजिक की वजह से अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो इस वाले एनिमे के अंदर काफी ज्यादा ओवरपावर्ड बन जाता है। लेकिन उसके लिए उसको सबसे पहले भाई काफी ज्यादा ब्रूटल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जहां पर इस वाले एनिमे के अंदर आपको दुनिया भर के देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 माय ईस्टर्न डेथ एबिलिटी। तो ये वाला एनिमे कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है और जैसे इस वाला एनिमे का नाम है वैसे इस वाला एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट की पावर्स भी है। तो इस वाला एनिमे के स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो अपने दोस्तों के साथ में एक स्कूल ट्रिप के ऊपर जा रहा होता है। लेकिन इस वाले ट्रिप के बीच में ऐसी एक चीज हो जाती है कि जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी स्कूल बस दूसरी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है, जहां पर उस टाइम बस के अंदर जितने सारे लोग थे उन लोग को कोई ना कोई एबिलिटी मिल जाती है। लेकिन वहां पर रहता अपना मेन प्रोटैगनिस्ट जिसको कि एक टाइप से कोई भी एबिलिटी नहीं मिलती या उसकी एबिलिटी को लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और जिन जिन लोगों को कोई एबिलिटी या स्किल्स नहीं मिली है उन लोग को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन अपने एमसी के इस हिडन स्किल की वजह से वो किसी भी बंदे को इंस्टेंट डेथ दे सकता है, जहाँ पर बस उसको इमेजिन करना पड़ता है और उसके सामने जो भी बंदा रहेगा वो इंस्टेंटली मारा जाएगा। और बस इसी एक स्किल की वजह से अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो इस वाले वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा ओपी बन जाता है। नंबर 2 मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2। तो इस वाले एनिमे के सेकंड सीजन का मैं काफी ज्यादा टाइम से वेट कर रहा था क्योंकि ये वाला एनिमे मेरा वन ऑफ द फेवरेट इसेका एनिमे से एक है। इस वाले एनिमे के अंदर क्या होता है कि अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है उसको कि एक इसेकाई वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि उसके जो मॉम और डैड थे वो भी उस वाले वर्ल्ड से बिलोंग करते थे। लेकिन जब अपना एमसी टेलीपोर्ट होने के बाद में गॉडेस के पास में पहुंचता है तो भाई वहां की गॉडेस उसके लुक्स को देख के उसको कोई भी स्किल्स नहीं देती है और यहां तक कि उसको अगली बोल के उसकी बाकी अदर ह्यूमन से इंटरेक्शन ना हो इसलिए उसको फॉरबिड भी कर देती है। लेकिन लकीली अपने एमसी को एक सुखियोमी से उसकी पावर्स मिलती है जिसकी वजह से भाई अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो इस वाले एनिमे के अंदर काफी ज्यादा ओपी बन जाता है और इन्हीं सारी पावर्स का यूज करके आगे चल के जो अपना एमसी रहता है वो अलग अलग मॉन्स्टर्स को टेम करता है, जिसके अंदर एक ड्रैगन रहता है, एक काफी बड़ा वाला मॉन्स्टर स्पाइडर रहता है। तो इस वाले एनिमे के अंदर आपको काफी ज्यादा कॉमेडी और काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ में इस वाले एनिमे का एनिमेशन भी काफी ज्यादा बढ़िया है। नंबर 4 द अनवांटेड अनडेड एडवेंचर। तो ये वाला एनिमे भी कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है। तो इस वाला एनिमे की शुरुआत में क्या होता है कि जो अपना एमसी रहता है वो एक डंजन के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक लीजेंडरी ड्रैगन से। उस टाइम अपना एमसी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहता है कि वो एक लीजेंडरी ड्रैगन को हरा सके और इसी वजह से जो लीजेंडरी ड्रैगन रहता है वो एक टाइप से अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को कर्स दे देता है, जिसकी वजह से जो अपना एमसी रहता है वो एक अनडेड बन जाता है। और यहाँ पर अभी अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के पास में कोई भी चॉइस नहीं रहती है, अगर वो इस वाले हालत के अंदर टाउन के अंदर जाएगा तो सारे के सारे लोग उसको अनडेड समझ के मार देंगे। इसलिए अपना जो एमसी रहता है वो अपना ज्यादातर टाइम डंजन के अंदर ही स्पेंड करता है, जहाँ पर उसको एक चीज पता चलती है कि भाई जब जब वो किसी मॉन्स्टर को मारता है तो भाई वो थोड़ा थोड़ा करके अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर वापस आ रहा होता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि भाई वो किसी भी मॉन्स्टर को मारेगा तो उसकी एबिलिटी भी उसको मिलती रहेगी। तो क्या अभी अपना मेन प्रोटैगनिस्ट अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर वापस आके उस वाले लेजेंडरी ड्रैगन को हरा पाता है, यही आपको इस वाले एनिमे के अंदर देखने को मिलेगा। नंबर 5 द वीकेस्ट टेमर बिगिन अ जर्नी टू पिक अप अ ट्रैश। इस वाले एनिमे के अंदर जो अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट रहती है वो काफी ज्यादा वीक टेमर रहती है, लाइक वो लो लेवल के मॉन्स्टर को ही टेम कर पाती है। लेकिन इस वाले वर्ल्ड के अंदर उसके पास में स्टार नहीं होता है तो सारे के सारे लोग उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसको मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी के चलते अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को काफी ज्यादा छोटी एज के अंदर ही भाई सब कुछ छोड़ के एक जर्नी के ऊपर निकलना पड़ता है, जहाँ पर वो ऐसे ऐसे मॉन्स्टर को टेम करती है जो कि काफी ज्यादा वीक होती है, इसलिए सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, लाइक सोसाइटी के अंदर उनकी कोई इज्जत ही नहीं रहती। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें स्लाइम मॉन्स्टर की, जो कि भाई बिगिनर लेवल्स के मॉन्स्टर बोले जाते हैं जो कि काफी ज्यादा वीक रहते हैं। जब मैंने इस वाले एनिमे का पहला एपिसोड देखा तो सबसे पहले भाई मैं इस वाले एनिमे के एनिमेशन से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया, लाइक इन लोग ने इस वाले एनिमे के एनिमेशन पे इतनी ज्यादा डिटेलिंग करी कि ऐसा लगता है कि भाई अपन कोई थिएटर में बैठ के एनिमे की मूवी देख रहे हैं। ऊपर से आपको ये वाला एनिमे काफी ज्यादा होलसम लगता है, लेकिन जैसे आप इस वाले एनिमे के अंदर डीप में घुसते हो तो भाई ये वाला एनिमे एक तरीके से काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। ओवरऑल ये वाला एनिमे आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए, इसके अंदर का एनिमेशन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको इसकी स्टोरी ज्यादा कुछ पसंद नहीं
नहीं आती तो आप इस वाले एनिमे को कभी भी ड्रॉप भी कर सकते हो। नंबर 6 सासाकी एंड पिप्स। तो ये वाले एनिमे के अंदर जो अपना एमसी रहता है वो एक ऑफिस वर्कर रहता है और ऐसे एक दिन ऑफिस से घर आते टाइम पे वो एक बर्ड को परचेस करता है जो की एक टाइप से दूसरी दुनिया का सेज रहता है जो की अपनी मैजिक का यूज करके अपने एमसी को दूसरी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। जहाँ पर जाने के बाद में अपना एमसी डिसाइड करता है कि भाई वो इस वाले इसीकाई वर्ल्ड के अंदर पीसफुली रहना चाहेगा क्योंकि वो एक टाइप से अपने रियल वाले वर्ल्ड के अंदर बस काम पे काम ही करे जा रहा था। लाइक वो डिसाइड करता है कि वो आराम से इस वाले इसीकाई वर्ल्ड के अंदर अपना रिटायरमेंट लेगा, लेकिन आगे चलकर उसने जैसे जैसे चीजें प्लान करके रखी होती है उस टाइप से बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। तो क्या इसके बाद में अपना एमसी सारी चीजों को सॉल्व करके एक पीसफुली लाइफ दूसरी दुनिया के अंदर जी पाएगा, यही आपको इस वाले एनिमे के अंदर देखने को मिलेगा। नंबर 7 दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3। तो ये वाला एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलर है और मैं बहुत ज्यादा टाइम से इस वाले एनिमे के सीजन 3 का वेट कर रहा था जो कि हमको नेक्स्ट वन के स्टार्टिंग के वीक के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। और शायद से जब आप इस वाली वीडियो को देख रहे होंगे तो भाई उसका सीजन 3 ऑलरेडी रिलीज हो चुका होगा, उसकी रिलीज डेट है 5 अप्रैल। तो इस वाले एनिमे की शुरुआत होती है अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो स्टार्टिंग के एपिसोड के अंदर एक हादसे के अंदर मारा जाता है और मारे जाने के बाद में अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है जो कि दूसरी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट होता है एज अ स्लाइम। यहाँ पर आपको भी पता होगा कि भाई हर एक किसी के वर्ल्ड के अंदर स्लाइम मॉन्स्टर को काफी ज्यादा वीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इस वाले एनिमे के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक स्लाइम होने के बावजूद भी काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है जो कि इजीली इस वाले एनिमे के वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट करता है। जहाँ पर वो इस वाले एनिमे के अंदर खुद की एक मॉन्स्टर्स की सिटी बनाता है और आगे चलकर इस वाले एनिमे के अंदर ऐसा टाइम आ जाता है कि अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को रोकना किसी की भी बस की बात नहीं रहती है। लाइक अपना जो एमसी रहता है वो एक डीमन लॉर्ड बन जाता है। इस वाले एनिमे की मैंने आगे मांगा पढ़ के रखी तो मुझे पता है कि भाई इस वाले एनिमे का थर्ड सीजन तो काफी ज्यादा बढ़िया जाने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस वाले एनिमे को देखा ही नहीं या कभी ट्राई नहीं करा है तो इसको एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। इस वाले एनिमे का एनिमेशन, इसके अंदर की कॉमेडी और इसके अंदर की एक्शन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। नंबर 8 द न्यू गेट। तो ये वाला एनिमे भी एक इसेकाई और वीडियो गेम वाला एनिमे होने वाला है। अगर आपने सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और शांगिला फ्रंटियर देखा है तो आप इस वाले एनिमे से काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे। लाइक इस वाले एनिमे के अंदर क्या होता है कि अपना जो एमसी रहता है वो एक दिन वीडियो गेम खेल रहा होता है, फिर अचानक से वीडियो गेम के बॉस को हराते टाइम वो उसी गेम के फ्यूचर के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर अभी वो एक वीडियो गेम का प्लेयर नहीं है। लाइक वो खुद ही उस वाले गेम को खेल रहा है जहाँ पर वो कभी भी मारा जा सकता है। तो अभी क्या अपना मेन प्रोटैगनिस्ट इस वाले वीडियो गेम से बाहर भी निकल पाता है या उसको अपनी पूरी जिंदगी इसी वीडियो गेम के अंदर सर्वाइव करते करते निकालनी पड़ती है, ये तो हमको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा जो कि 13 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। नंबर 9 द जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 2 पार्ट 2। तो ये वाला एनिमे तो भाई काफी ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसे का एनिमे देखते हो या नहीं देखते हो क्योंकि आपने इस वाले एनिमे का नाम तो एक बार जरूर से सुना ही होगा। यहाँ पर इस वाले एनिमे के अंदर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है जो कि अपने रियल लाइफ के वर्ल्ड के अंदर काफी बड़ा वाला लूजर रहता है, लेकिन जब वो मारा जाता है दूसरी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट होता है तो उसके पास में उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज रहती है, तभी से वो डिसाइड करता है कि इस वाले इसी के वर्ल्ड के अंदर वो अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। ये वाला एनिमे कॉमेडी एक्शन और गुड एनिमेशन का कॉम्बो है, इसके अंदर आपको ये तीनों के तीनों चीजें देखने को मिल जाएगी। तो आप इस वाले एनिमे के प्लॉट के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि आपको सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। और अभी मैं देखना ही चाहता हूँ कि भाई हमको सीजन 2 के सेकंड पार्ट के अंदर क्या क्या सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो अभी बस हमारे आज के लिस्ट का लास्ट एनिमे बचा है और मैं जाते जाते आपको और एक बोनस एनिमे बता के जाऊंगा जो कि नेक्स्ट मंथ ही रिलीज होने वाला है। तो आज के हमारे लिस्ट का लास्ट एनिमे है कोनोसुबा सीजन 3। तो भाई जब ये वाला एनिमे रिलीज हुआ था तब इसने सारे के सारे इसेकाई के ऊपर पानी फेर दिया था क्योंकि ज्यादातर एनिमे के अंदर हमको थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत एक्शन देखने को मिल जाती है, लेकिन ये वाला एनिमे इसेकाई एनिमे होने के बावजूद भी पूरा का पूरा उल्टा ही है। इस वाले एनिमे के अंदर आपको इतनी सारी कॉमेडी देखने को मिल जाएगी कि भाई आप हंस हंस के पागल ही हो जाओगे। इस वाले एनिमे के स्टार्टिंग में क्या होता है कि अपना जो एमसी रहता है वो एक लड़की को बचाने जाता है एक ट्रैक्टर से। उसको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रैक्टर रहता है वो उस वाली लड़की को कुचलने वाला होता है, लेकिन वहां पर उल्टा ही होता है। ये जो ट्रैक्टर रहता है वो काफी ज्यादा स्लो रहता है, यहाँ पर अपना जो एमसी रहता है भाई वो शॉक के अंदर ही मारा जाता है। उसको लगता है कि उसके ऊपर वो ट्रैक्टर चढ़ चुका है। और आगे चलकर जब अपना एमसी रीइंकार्नेट होता है और वो गॉडस के पास में पहुंचता है तो गॉडस इसी चीज की वजह से उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन यहाँ पर अपना एमसी अपने दिमाग का यूज करके उसी गॉडस के साथ में उस वाले वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हो जाता है। यहाँ पर एक टाइप से ये जो गॉडस रहती है वो बिल्कुल भी कुछ काम की नहीं रहती है, लाइक वो काफी डम हरकतें करती है, ना ही उसके पास में इतना अच्छा खासा मैजिक रहता है। और इसी वजह से आपको इस वाले एनिमे के अंदर बहुत ज्यादा कॉमेडी देखने को मिल जाती है, काफी ज्यादा हिलेरियस मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस वाले एनिमे को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको एक बार जरूर से ट्राई कर लेना। इस वाले एनिमे का सीजन 3 10 अप्रैल को आ रहा है, तो अभी तक आपने इसके पुराने वाले सीजन नहीं देखे रहेंगे तो आपके पास में अभी काफी सारा टाइम बचा है। और जो बोनस एनिमे मैं आपको
आपको बताने वाला था उसका नाम है रीइनकार्नेटेड एज एस्ट्रोक्राफ्ट, जो कि 7 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। तो होपफुली गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।